ओम शांति दस फेबरी के श्रोतन में आप सबका स्वागत है परमात्मा चाहते हैं कि हम दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद को बांटें तो इसलिए परमात्मा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भवा जो दिव्य गुणों का प्रसाद है उसको बांटना दुनिया प्रसाद खाने जाती है मंदिर में गुरुद्वारों में है ना तो प्रसाद होता क्या है प्रसाद मतलब कि जिससे मुंह मीठा हो जिससे मन मीठा हो प्रभु प्रसाद है वो सच्चा सच्चा प्रसाद श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद कौन सा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद आप किसी को सादगी सिखा दें आप किसी को निर्भयता सिखा दें आप किसी को सहनशीलता सिखा दें आप किसी को पवित्रता सिखा दें अगर आप किसी को अंतर्मुखता सिखा दें अगर आप किसी को मधुरता सिखा दें तो कितना कुछ सिखा यही प्रभु प्रसाद है ताकि उसका जीवन बदल जाएगा बांटने वाले फरिश्ता सुधरता वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं जिन्होंने इनके बारे में ज्ञान नहीं लिया कि हमें स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म की तरफ चलना है उनको ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं चाहे जिन्होंने ज्ञान ले चुके हैं दोनों को आवश्यकता गुणदान की है तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ इस विधि को स्वयं में ब्राह्मण परिवार में तीव्र बना हुआ आपस में गुण दान करना ये ये श्रेष्ठ को, को ये फिजिकल की चीज़ नहीं है। लेकिन एक्शन के द्वारा कर्म के द्वारा हम बांट सकते हैं तो जहां पर सहनशीलता की जरूरत है वहां पर सहनशीलता दिखाई आपने लोग देखेंगे अरे इतना चलाया किसी ने कुछ बोला लेकिन आपने बहुत ही प्यार से बात करी जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो टोली मतलब प्रसाद फिजिकल प्रसाद ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ तो इस विधि से फरिश्ता सुदेवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा टोली खिलाओ कौन सी वाली दिव्य गुणों वाली तो फरिश्ता सुदेवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा इस विधि से कि हर कोई फिर बोलेगा अच्छा अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं तो हमें देख करके और भी बदलेंगे लेकिन सहनशीलता शक्ति सादगी ये सब कुछ दिखाने वाली चीज़ें सिर्फ बोलने वाली नहीं ओम शांति